पासपोर्ट्स वगैरह टाइपिंग के लिए दिए हैं पे अभी। ये वो जगह है जहाँ इम्पाउंड होती है गाड़ी, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पुरानी पुरानी जा रही हैं और वो देख रहे हो गाड़ियों के हालात। बहुत ही मसालेदार विंग्स खाने के बाद मोहसिन अब पिज़्ज़ा फोड़ने लगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार आज थोड़ा सा व्लॉग डिफरेंट होने वाला है कि घर में के दो से तीन काम होने, एक स्पेशली जो मोहसिन का क्या कहते हैं मोहसिन का नाम लिया तो मोहसिन का फ़ोन आ रहा है, जो मोहसिन का फ़ोन भी पिक कर लेता हूँ। अच्छा उसको लेने जाना है, अभी पिक करता हूँ। उसका गाड़ी का फ़ाइन है, मेरे घर का वीज़ाज़ हैं वो मुझे करवाने हैं, तो आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे शारजा और दुबई की कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या कॉस्ट कर रहा है और किस तरह होता है ये सारा सब कुछ। सॉरी यार पसीना आ रहा है। चल मिलते हैं, मोहसिन को पिक करता हूँ। मौसम की कॉल आ गई थी कि तू लेट तो नहीं हो रहा, तो भाई मैंने कहा नहीं यार मैं तो इन टाइम बिल्कुल हमेशा की तरह भाई मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच रहा हूँ, उसको पिक करूंगा और फिर जाहिर सी बात है उसकी बावरकत गाड़ी के फाइन भरने, वो हमें लेट हो गई है उसकी गाड़ी तो वो जाके फाइन भरेंगे इंशाल्लाह और देखते हैं। और मुझे पासपोर्ट से काम है तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ यार, इसलिए कि काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि पूरे दिन में क्या करते हैं। और यार रिमाइंड, अच्छा वन मोर थिंग कि मेरा आजकल ऑफिस का ऑफ है फॉर 5 डेज, तो मैं तकरीबन यानी कि इसलिए आज सुबह से ब्लॉग कर रहा हूँ, वरना यूजली मैं इतना फ्री होता नहीं हूँ जितना आज फ्री हूँ। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं और आपको भी लेके दिखाते हैं कि क्या खाएंगे क्या पियेंगे कहाँ जाएंगे सब कुछ बताता हूँ। ये देखो एज यूजल मैं मोहसिन का इंतज़ार कर रहा हूँ और मोहसिन अब तक आया नहीं है और मुझे बोल रहा है कि मैं तो बस बाहर ही हूँगा इतनी सी देर में, कुछ भी नहीं हुआ अब तक नहीं आया। मोहसिन 1 घंटे से मुझे वेट करवा रहा है और अब पहुँचा ही है, देख रहे हो यार ये लेट पे लेट करवाता रहे। मोहसिन साहब आके बैठ गए और आज हम लोगों ने क्या प्लान है हमारा कि वो बाबरकत जो गाड़ी है इनकी उसके फाइन भरने एक और मजीद गाड़ी, इतनी की तो गाड़ी ली है जितने फाइन भर दिए हमने, नहीं टीका लगवाना पड़ता है यूं ही है भाई। तो वहाँ जा रहे हैं कि यार इसलिए कि ये बहुत रैश ड्राइविंग करता है यार, अक्सर जो ड्राइव करते हुए भाई साहब मेरी ड्राइविंग ऑन होता है, मेरी ड्राइविंग की वजह से कभी भी फाइन नहीं आया मुझे, कभी फुटपाथ पे चढ़ा दी कभी कुछ कहीं चढ़ा दिया, ये ड्रामेबाजी करता है इस वजह से ये हो रहा है। जितनी अच्छी मैं ड्राइविंग करता हूँ कोई भी नहीं करता। चल तो यार आप ड्राइव करे लो, मैं क्या कर रहा हूँ भाई मुझे ड्राइव कर लिया आज। चल भाई चले भाई, 1500 का फिन नहीं भरना है, कम का भरवाना कम का। तो भाई मोहसिन अभी फाइन भरने जा रहा है, देखो तय हुआ कि यार 2 से 3 काम है आज, तो 2 से 3 काम आप हमारे साथ ही रहे, ज़्यादा इंटरटेनमेंट तो नहीं होगी लेकिन बट देख लेना कि क्या क्या हो रहा है और हम क्या क्या कर रहे हैं। बेश के छोटे से छोटा फाइन पड़े, ज़्यादा ना पड़े यार अच्छा तो इसी में, वरना यार बहुत ज़्यादा पैसे पहले ही लग चुके हैं। चेक कर लिया है भाई, अभी फ़ाइन का कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि फ़ाइन 1500 देना है या 1200 देना है या इनबाउंड होगी। देखो यार दुआ करो कि ये ना हो, वरना मोहसिन भाई की तो क्या कर सकते, आसान लफ्ज़ों में लगे पड़े लगे हुए हैं, आप आगे समझ लो क्या है। गाइस तो ये वाला पुलिस स्टेशन जहाँ पैसे जमा करवाने वो आपको अजमान क्या कहते हैं इसको जर्फ में है, ये जो चाइना मॉल के बिल्कुल पीछे मिलेगा और यहाँ पे एक गाड़ियों की मार्केट भी है छोटी सी आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो भाई इस व्लॉग में सिर्फ आपको इसी तरह के कोई कारनामे बने, लेकिन ये बंदा हंस नहीं रहा आज क्योंकि इसके लगे हुए हैं आसान लफ्जों में इसके लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ इम्पाउंड होती है गाड़ी, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पुरानी पुरानी जा रही हैं और वो देख रहे हो गाड़ियों के हालात। तो अभी इसकी मोहसिन की भी गाड़ी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 1 वीक के लिए इनबाउंड करवाएंगे, फिर देखते हैं, वरना 700 धर्म देना पड़ेगा। सो गाइस न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर ये है कि भाई नेक्स्ट मंथ आके गाड़ी जमा करवानी है ताकि 600 धर्म तकरीबन बच जाएगा फाइन में, वरना अगर आप नहीं करवाएंगे तो 700 धर्म देना पड़ेगा, तो ये तो मामला है, अब ये तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चले सर यार, एक काम हो गया, अब तकरीबन 2 काम रह गए, अब जाना है पहले पोस्ट ऑफिस, वहाँ से एमिरेट्स आईडी कार्ड उठाना है, सेकंडली घर वालों के जो वीजा। बेटा एमिरेट्स आईडी कार्ड से याद आया, तुझे कितना फाइन पड़ा है? 3000 धर्म का फाइन पड़ा है मुझे, उसमें 3000 धर्म का फाइन पड़ा है, तो भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, राइट हो जाओ, उसमें मेरा कसूर नहीं है भाई। 3000 धर्म का फाइन क्यों पड़ा है मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई एम्बेसी बनती उसमें जो पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सका, तो वीजा रिन्यू नहीं हुआ, और वीजा रिन्यू नहीं होगा तो भाई यहाँ पे फाइन तो भरना ही है ना, तो उसमें 3000 धर्म का फाइन पड़ा, इसी ने बोला कि दे दे अभी करवाना ही है। तो दो फाइन तो करवाना, अब अभी मेरे पास 3 घर वालों के पासपोर्ट थे वो मुझे रिन्यू करवाने हैं,
और उनकी भी डेट सिर्फ एक हफ्ते की है। पहले पहले तेरे इस फाइन का सुनकर मुझे हौसला आ गया कि मैं भर देता हूँ अपना फाइन 1200 दिरहम। तू दे 1200 रुपए भर दे, मैं फाइन ही भरूंगा 1200। अच्छा हम लोगों ने अभी ये लंच ब्रेक पे हम लोग यहाँ पर आए और देखते हैं कुछ खाते पीते हैं कुछ यहाँ पे करते हैं। ये है दोस्त का ही है राइट, ब्रोकली पिज्जा। आप भी कभी आए अजमान में तो जरूर ट्राई कीजिएगा ब्रोकली पिज्जा एंड पास्ता। ये यूनिवर्सिटी एरिया है यहाँ पर जहाँ हमने लास्ट ईयर भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी मोहसिन भाई के साथ। None other than मोहसिन। Yeah bro। क्या बात है मोहसिन भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। और एक और भी था उसका, नाम लेना फजूल है, नाम लेना फजूल है वरना क्योंकि आप यूज करोगे फिर वो खराब हो सकता है। आपको सैनिटाइजर यूज करना पड़ जाएगा, यूज करना पड़ सकता है आपको, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्पाइसी चैलेंज दिया है और ये इसके ना आंसू आ गए अभी से। तो एक बाइट लेती कुछ भी नहीं है स्पाइसी है क्या? बुरे भाई तुम्हारे खानपुर में नहीं होता ना भाई ये, इसलिए। बहुत ही मसालेदार विंग्स खाने के बाद मोहसिन अब पिज्जा फोड़ने लगे। मोहसिन अब बोल बेटा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं नहीं निकल रहे ये बता। नहीं भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, टिकली कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वाकई आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि भाई वाकई बहुत मिलती। लेकिन ट्राई तो ज़रूरी बनता है, लाजमी ट्राई करना भाई, वाकई ट्राई करना है। वो भी ब्रोकली पिज़्ज़ा आना है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे जो है। तो खाना ख़त्म हो चुका है, आइसक्रीम शानदार खाने के बाद उसका नशा नहीं टूट रहा कि आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्ती खा ली है ब्रोकली पिज़्ज़ा। लस्सी का नशा था इसका, आइसक्रीम का आइसक्रीम का यार ब्रोकली पिज़्ज़ा पे नई आइसक्रीम आई हुई है वो खाइए। ओहो लेवल कमाल, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया जिंदगी के मज़ा। उसका नशा नहीं जा रहा मुझसे, नहीं जा रहा। अब जो है ना पासपोर्ट से काम के लिए चलते हैं आज छोटा सा बस ऐसी व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। यार दूसरा काम तो हो गया, अब ये तीसरे काम के लिए आ गया हूँ यहाँ पर। और क्या कहते हैं बस अब पासपोर्ट वगैरह अभी अभी दिए हैं, मैं ऑफिस में हूँ यहाँ पर, पासपोर्ट्स वगैरह टाइपिंग के लिए दिए हैं अभी। बहुत सारे काम तो हो चुके हैं, एक काम बस अब रह गया है लास्ट, वीज़ा पेस्टिंग का। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग हैं जूस ब्रेक पे, तो जूस ब्रेक पे कैसे होते हैं मोहसिन को भी लेकर आया। ये जो इसने खाई है ना वो तारिक भाई ने कौन सा मंगवाया यार, तारिक भाई ने मैंगो है, ये मैंगो मंगवाया था। अरे ऑरेंज है यार, ऑरेंज है, ऑरेंज भाई तारिक ने बगैर देखे बोल दिया है कि ये मेरा मैंगो है लेकिन ऑरेंज है, ऑरेंज है। अभी हम लोग जाते हैं ना तो ये सिविक वगैरह हमें बहुत फॉलो करती है, तो सिविक अभी भी है हर जगह देख रहे हो भाई। एम्बियंस देख लो भाई यहाँ का, ओहो ये देखो एम्बियंस में ये शामिल है, ये सबसे बेस्ट एम्बियंस है। सो बॉयज दैट्स इट फॉर अ डे, आज वो हो गया सारा काम और मोहसिन भी ठीक ठाक किस्म का टायर्ड हो गया यार। सब कुछ वीजा वगैरह सारे दे दिए, पासपोर्ट के लिए यहाँ पे एक कॉरियर सर्विस है वो घर से पिक करती है, वो आएगी और वो पासपोर्ट ले लेंगे तो वीज़ा पेस्टिंग भी हो जाएगी, तो इस वजह से टाइम बच जाएगा। अब देखते हैं कुछ खाते पीते हैं और क्या करेंगे, है ना भाई। बिल्कुल मैकडोनल्ड ना चले, मैकडोनल्ड ना चले भाई, चले ले देंगे एक ही चीज़ भाई। हम लोग घूमते घुमाते अब फिलहाल डिनर के लिए आ गए हैं और डिनर कहाँ होगा आपको बताइए, मौसम के साथ मैकडोनल्ड्स के अलावा तो कहीं नहीं हो सकता यार। तो भाई मैकडोनल्ड्स फिर उसके बाद घर लग रहा होगा यार, काफ़ी टायर्ड हो गए हैं हम लोगों को, बेसिकली टाइम ज़्यादा लग गया वहाँ पे अल्ताबाद सेंटर में ज़्यादा, बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। उसके अलावा बस बाकी तो घूमते रहे, सही है। ओके बस ऑर्डर इज बीन प्लेस्ड, बस हम वेट कर रहे हैं। और हमने क्या ऑर्डर किया है यार, हम लोगों ने ग्रैंड चिकन किया स्पाइसी वाला और इनका सबसे बेस्ट है ग्रैंड चिकन स्पाइसी है, या फिर इनके जो सिग्नेचर बर्गर है उसके अंदर जो एक बारबेक्यू सॉस वाला होता है और एक मैक्सिकन मैक्सिकन होता है, जो सबसे बेस्ट है वो मैक्सिकन वाला होता है, मैक्सिकन सबसे बेस्ट है। तो मैं या तो वो खा, वो हमें हमारे टेस्ट बड्स को अच्छा लगता है ना यार, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है और सारे चश्कियाँ उसके अंदर। मुँह में पानी आ रहा है भाई, अभी भाई अभी तो यही खाओ, अभी तो फिलहाल ये खा लेते हैं, ये फिलहाल वाली बात नहीं, ये भी लेवल है, ये भी मज़ा आने वाला है। आज का दिन जो एंड जिस तरह हो रहा है वो ग्रैंड चिकन से हो रहा है ऑब्वियसली, यहाँ पे देखो ये अब बस खाने दे। तो भाई इसके फिनिश करने के बाद बात करते हैं, खा के दिखा दो थोड़ा सा, उनके मुँह में पानी आ जाए, सब लोगों के मुंह में पानी आ जाए भाई, ये देख लो बस। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और मैं कार वॉश के लिए आया हूँ आज,
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाजिम फॉलो कर लो, और गिव अवे आ रहे हैं, इवन कैश गिव अवे भी आ रहे हैं।